मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून अब अलग अलग राज्यों में सक्रिय हो रहा है, यानी कि मानसून की जो ट्रफ लाइन है अभी भी वो उत्तर भारत से होकर और दिल्ली के दक्षिण अलीगढ़ से होते हुए आगे जा रही है और ये झारखंड के बाद ये जो दीघा है यहाँ से होते हुए ये उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। अब यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ सरकेगी और लेकिन क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी, कुछ इलाकों में तेज बौछारें होंगी। और दिल्ली में आपने देखा होगा कि बारिश बहुत कम हो रही है और बादल छाए हुए हैं, तो माहौल दिल्ली में अगले एक सप्ताह तक इसी तरह का बना रहेगा क्योंकि मानसून की रेखा थोड़ी सी दक्षिण में चली जाएगी, लेकिन क्योंकि पूर्वी हवाएं लगातार चल रही है, नमी बढ़ी हुई है, तो हल्की फुल्की बौछारें दिल्ली को दिखती रहेंगी। एक दो अच्छा स्पेल हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे झमाझम बारिश पूरे दिन होती है उस तरह की झड़ी लगने की संभावना कम दिखाई दे रही है। तो अभी क्या है कि पहाड़ के जो इलाके हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। जैसे पहले लग रहा था कि मूसलाधार बारिश और बादल फटने की संभावना है, तो वो खतरा टल चुका है क्योंकि जो ट्रफ रेखा थी, ये मानसून की जो लाइन थी, वो पहले पहाड़ों की तरफ जा रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गई है, यानी दक्षिण की तरफ सरक गई है। तो ये इस समय वेदर सिस्टम बने हुए हैं। आप देखिए मानसून की रेखा इस तरह से जा रही है और उसके बाद ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि साउथ कच्छ के ऊपर जो पाकिस्तान है वहाँ से लेकर के और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ आ जाएगा और ये हो सकता है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाए, यानी थोड़ा सा सशक्त हो जाए ये। तो जो वेदर एक्टिविटी है वो जैसे मैंने बताया कि तराई के इलाकों में तो जारी रहेगी और पंजाब, हरियाणा में भी हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बौछारें हो सकती हैं और राजस्थान के ज्यादातर इलाके अब बारिश देखेंगे, यानी कि हर जिले में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब क्या होगा कि जो पूर्वी राजस्थान है यानी सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा, टोंक, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश होगी और एक दिन के बाद बारिश की गतिविधियां ये सिरोही, पाली, जालौर और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इस इलाके में बढ़ जाएगी और जो बनसकांता, सबरकांता, महेसाना, इदार, पाटन यानी कि जो कच्छ के उत्तरी जिले हैं गुजरात में वो बारिश बहुत ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं। तो अब क्या होगा कि 24 और 25 तारीख को यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बनेगा तो उसके प्रभाव से जो उत्तरी जिले हैं इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है और जो बारिश की कमी अभी तक महसूस हो रही थी वो लगभग पूरी हो जाएगी। गुजरात के बाकी इलाके भी हल्के से मध्यम बारिश देखते रहेंगे और 24, 25 और 26 तारीख को सिंध और बलूचिस्तान के जो दक्षिणी भाग है उस इलाके में भी जैसे कराची, नवाबशाह और बादिन और उसके आसपास के इलाके और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश और भारी बारिश होने की संभावना है क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया यहाँ बन जाएगा और बाकी जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं, मानसून वहाँ पर भी सक्रिय बना रहेगा। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है, तो अभी भी बारिश की कमी नहीं देखने को मिलेगी, बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में बौछारें पड़ती रहेंगी, लेकिन जो झड़ी लगती है लगातार जो बारिश होती है उस तरह का एपिसोड दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, तो हम कह सकते हैं कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर से होते हुए लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर, बांदा, बस्ती, ये सारे इलाके से सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी और रायबरेली, चित्रकूट, लखनऊ, कानपुर, औरई, बांदा, झांसी, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके अब बारिश देखेंगे और जैसे हमने देखा था कि बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो जो मानसून की ट्रफ लाइन थोड़ी नीचे आएगी तो मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजरेगी, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और ये जो साउथ ईस्ट राजस्थान है, गुजरात है, यानी ये पूरा इलाका अब बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी देखने वाला है। तो सबसे ज़्यादा वेदर एक्टिविटी हमें लग रहा है कि इसी इलाके को देखने को मिलेगी, यानी कि ये पाकिस्तान का कुछ इलाका कवर करते हैं, यहाँ से ये जो कच्छ का इलाका है और विदर्भ और तेलंगाना, तेलंगाना के भी कई इलाकों में और इस तरह से ये जो है यानी कि राजस्थान के इलाके हो गए, आप देखिए ये सारा मध्य प्रदेश पूरा कवर हो गया, यहाँ से ये जो पूरे जिले हैं, जो राज्य हैं, इनके बीच में जो जो जिले आएंगे इन सारे इलाकों में बारिश काफ़ी अच्छी होने वाली है।
बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी और पश्चिम बंगाल के सिक्किम सब हिमालयन वेस्ट बंगाल यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। और जो तेलंगाना है उसके भी कई इलाके एक बार फिर से बारिश देखेंगे और अगले दो तीन दिनों तक यहाँ पर अच्छी बारिश कई जिलों में देखने को मिलेगी। विदर्भ और मराठवाड़ा के भी कई इलाके जैसे कि नांदेड़, हिंगोली, जलना, परभणी, उस्मानाबाद और लातूर ये होते हुए नागपुर, अकोला, अमरावती, गोंडिया, ब्रह्मपुरी, वाशिम, भंडारा ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश इन इलाकों को मिल सकती है। और जो कोकण और गोवा में एक बार फिर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी जैसे कि पालगढ़ वगैरह हो गया, अलीबाग हो गया, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, पैची रेन छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ ही देखने को मिलेंगी। और अब अगर हम और दक्षिण की तरफ देखते हैं तो दक्षिण में भारत में क्या होगा कि जो बारिश है वो अभी सब्ड्यूड रहेगी, यानी कि जो कोस्टल कर्नाटका है, केरल है, साउथ इंडियन कर्नाटका है यहाँ हल्की से मध्यम बारिश होगी। तमिलनाडु के जो कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई थी अब थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसी तरह से तेलंगाना में तो रहेगी और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में भी श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और उसके आसपास के इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक बार फिर बारिश की गतिविधि थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अभी तक यानी कि 1 जून से लेकर के अगर हम 21 जुलाई तक की बात करें तो 21 जुलाई तक जो मानसून है सामान्य से 11% ज़्यादा बना हुआ है। हालांकि बहुत दिनों के बाद उत्तर भारत को बारिश मिली है और ये बारिश की गतिविधियाँ अभी जारी रह सकती हैं। जो इसके आगे अपडेट होगा मैं आगे आपको आगे बताऊंगा, उसके तब तक के लिए आप देखते रहिए स्काई मेट वेदर। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।